पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो विवाद चल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है अक्षराज सिंह को माना जा रहा है। जी हाँ, अक्षराज सिंह को इसलिए माना जा रहा है कि अक्षराज सिंह और ज्योति सिंह के करीबी रिश्ते रहे हैं। ये करीबी रिश्ते आपको उस कॉल रिकॉर्डिंग से भी समझ में आ गए होंगे, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसमें ज्योति सिंह और अक्षराज सिंह की आवाज़ थी और ये दोनों पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। इस कॉल रिकॉर्डिंग का ये एक पार्ट ही है। जी हाँ, इस कॉल रिकॉर्डिंग के सिर्फ एक पार्ट को रिलीज़ किया गया, इसके कई पार्ट हैं, यानी कि ये तीन भागों में बहुत लंबी बातचीत हुई थी और ये एक उस लंबी बातचीत का छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है। आप अगर इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो ही सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये आधी बात हुई है और इसके तीन पार्ट हैं। और कहा जा रहा है कि उसे भी जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि इस वीडियो कॉलिंग को जो अक्षरा और ज्योति के बीच हुई थी इसे जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्यों पवन सिंह के फैंस हमेशा से ही नाराज़ थे ज्योति सिंह से? ज्योति सिंह काफ़ी डिमांडिंग बताई गई, और तो और ये तक कहा जा रहा है कि पवन सिंह कभी इस शादी से खुश नहीं थे। और आपने जब भी इन दोनों की पिक्चर्स देखी होगी शादी की, तो उसमें पवन सिंह का एक उदास चेहरा सभी के सामने था। ये पवन सिंह के कुछ करीबियों की तरफ से बताया जाता है कि पवन सिंह ने ये शादी काफ़ी दबाव में की, लेकिन ज्योति सिंह का रवैया कभी सही नहीं रहा पवन सिंह की तरफ। पवन सिंह के दुश्मनों से ज्योति सिंह की काफ़ी पटती रही, जैसे कि अक्षरा सिंह। अब आप ये समझ सकते हैं कि जिस अक्षरा सिंह का नाम भी पवन सिंह अपने जुबान पर नहीं लेते हैं, अगर उस अक्षरा सिंह का संबंध पवन सिंह की पत्नी से ही हो तो ये रिश्ते कैसे अच्छे चलेंगे। सिंह के बहुत ही करीबी लोग हैं, उनका एक वीडियो जारी किया गया है जहाँ पर ये साफ संकेत मिल रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी भी कर सकते हैं, लेकिन इस शादी में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिया जाएगा और पवन सिंह तभी करेंगे जब उनका और ज्योति सिंह का जो मामला है वो पूरी तरह से शांत हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पवन के वकीलों का भी यही कहना है कि ज्योति को अगर डिवोर्स ही चाहिए था, जो कि पवन सिंह की तरफ से फाइल किया गया है, तो उसके लिए इस तरह से डिमांड करने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो उन्हें तभी भी मिलता अगर वो डिमांड नहीं करती, क्योंकि ज्योति सिंह अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं और आगे भी बढ़ना चाहती हैं, जिसके लिए पवन के वकील ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से पवन सिंह से सपोर्ट ही मिलेगा। उलट अगर ज्योति सिंह के वकीलों की माने तो ज्योति सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं पवन सिंह पे, उसे सुनने के बाद पवन के फैंस हों या पवन के करीबी, वो इसे मानने तक को इनकार नहीं करते।